दोस्तों पता नहीं ब्रांड्स के बीच आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अपनी प्रीवियस वॉचों को थोड़ा बहुत फर्क करके नए नेम के साथ लॉन्च कर देते हैं। ऐसा ही फायरबोल्ट ने अपनी फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा के साथ किया है। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ये किस वॉच का अपग्रेड वर्जन है, तो भाई वो वॉच है अपनी फायरबोल्ट टॉक प्रो, जो की काफी हद तक फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा से मिलती जुलती है। तो इस वीडियो में यही खुलासा करेंगे हम, इन दोनों वॉचेस में आखिर डिफरेंस है क्या और आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं इन दोनों वॉचेस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो दोनों ही वॉचेस राउंड शेप में मेटालिक बिल्ड के साथ आ जाती हैं। और हाँ, दोनों ही वॉचेस के साइड में एक बटन भी दिया है और ये दोनों वॉचेस लुक्स वाइज काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से और दोनों ही वॉचेस में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि दोनों ही वॉचेस बिल्ड एंड डिजाइन में बिल्कुल सेम टू सेम है। अब अगर मैं दोनों वॉचेस के डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात करूं तो फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा में आपको 1.39 इंच की एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 240x240 है। वहीं फायरबोल्ट टॉक प्रो में आपको 1.32 इंच की एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 360x360 है। तो भाई कहने को वॉच पुरानी है फायरबोल्ट टॉक प्रो, बट इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी शार्पर है। बट अगर बड़ी डिस्प्ले के शौकीन हो तो फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा की तरफ जाना चाहिए। दोनों ही वॉचेस में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलता है जो कि क्लाउडेड होंगे और आप इन दोनों ही वॉचेस में अपना फेस भी लगा सकते हो, मतलब कस्टमाइजेशन का सपोर्ट है। कॉल पे बात करने की फंक्शनलिटी दोनों ही वॉचेस में मिलेगी, मतलब इस दोनों वॉचेस में ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन दिया है और AI वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है क्योंकि इन दोनों वॉचेस में माइक और स्पीकर का सपोर्ट मिलता है पहले से ही। अगर मैं स्पोर्ट मोड की बात करूं तो फायरबोल्ट टॉक प्रो में आपको 60 स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलता है, वहीं फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा में 123 स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलता है। मेरे लिए तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, क्योंकि दोनों ही वॉचेस में आपकी सारी एक्टिविटी कवर हो जाएंगी बड़े आराम से। अब अगर मैं दोनों वॉचेस की हेल्थ पैरामीटर की बात करूं तो सारे सेंसर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाएंगे और आजकल सारी वॉचेस में आ ही रहे हैं, मतलब और स्मार्ट नोटिफिकेशन और यूटिलिटी फीचर्स भी आपको दोनों वॉचेस में मिलेंगे और बिल्ट इन गेम का फीचर भी आजकल कॉमन सा हो गया है तो दोनों वॉचेस में मिल जाएगा। अब अगर मैं वाटर प्रोटेक्शन की बात करूं तो दोनों ही वॉचेस में आपको IP68 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन स्विमिंग मोड कुछ कंफर्म नहीं किया है तो आप पानी में लेके ज्यादा देर तक मत रुकना बस। और अगर मैं दोनों वॉचेस की बैटरी लाइफ की बात करूं तो वो 7 दिन है और जो कि नॉर्मल यूज पे अगर आप कॉल के साथ यूज करते हो तो वो 2 दिन से ज्यादा नहीं देगी, वो भी हद है। तो गाइस ये तो होगा इन दोनों वॉचेस के फीचर। अब मैं प्राइस की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों वॉचेस की, ₹2000। तो यदि आप ऑलरेडी फायरबोल्ट टॉक प्रो यूज कर रहे हो तो आपको अपग्रेड करके फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा नहीं लेनी चाहिए, और यदि आप कोई नई वॉच लेना चाहते हो फायरबोल्ट टॉक अल्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये तो हो गया मेरा ओपिनियन, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मैं तो ओपिनियन दे सकता हूं। आप एक काम कर सकते हो, नीचे वीडियो टैग मार्टिन सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसको ग्रे कर दो और हां भाई लाइक बटन दबा के आप हमें थोड़ा सा करेज भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन वीडियोस को बनाने में। तो भाई मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय।